नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनू भाई पटेल सूरत से हूँ। कुछ आज आपके साथ में बात शेयर करना चाहूंगा जो मेरी जिंदगी में चढ़ाव उतार आया है। तो कंपनी के साथ शुरुआत करूंगा, जो उस कंपनी ने मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव किए हैं। कंपनी का नाम है नेटसब कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसकी जो प्रोडक्ट प्रणाली है तो उसमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट है। वैसे मैं फार्मर हूँ, तो सन 2009 में मुझे एक मेरे दोस्त ने एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक आती है उसमें मुझे सजेस्ट किया कि आप यूज करो, यूज करने के बाद अगर रिजल्ट मिलता है तो आप आगे काम कर सकते हो। तो मैंने ट्राई किया क्योंकि दोस्त की बात को मैं टाल नहीं सका। तो ये ट्राई करने में मुझे जो रिजल्ट मिला है, मेरे अगल बगल वाले लोगों ने कुछ यूज किया, इन्होंने कुछ इस्तेमाल किया, उनको भी अच्छा रिजल्ट मिला, तो उस वजह से मेरा धीरे धीरे काम चलता गया और हुआ ये कि 4-5 साल में मुझे 7-8 लाख की इनकम हुई। फिर मैंने कुछ काम नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा कारोबार था जमीन लेन देन का, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें पैसे मुझे ज्यादा मिल रहे और ये तो मार्केटिंग का काम, इसे मार्केटिंग से मुझे कुछ शूट नहीं होता था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मगर एक दिन ऐसा होता है कि मेरी अपलाइन जो है कल्पेश जीवानी सूरत से बिलोंग करते हैं और हमारी ग्रेट अपलाइन जो है पूना से संजय भाई देशपांडे सर, उन दोनों ने मुझे कॉल किया कि भी आपको कंपनी के जनरल मैनेजर जो हमारे हैं नेटसब कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रदीप सर से आपको मुलाकात करनी है, आपके कोई क्वेश्चन है तो उनके साथ आपको भेंट करनी है। तो नकी समय के अनुसार मैं गया, यहाँ से सूरत से कल्पेश भाई आए और हमारे दोस्त जो रमेश सरदारा मुंबई से मेरे साथ काम करते थे वो भी आए। हम चार और प्रदीप सर के साथ मीटिंग हुआ, मीटिंग में 2-3 मुद्दे हमारे साथ कुछ प्रदीप सर ने शेयर किए कि विनू भाई आप अच्छा काम कर रहे थे, फिलहाल नहीं करते हो, वजह मैं जानना चाहूंगा कि क्या तो आपको कंपनी के में कोई दिक्कत है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, कंपनी का जो प्लान है उसमें कोई प्रॉब्लम है। मैंने बोला सर नहीं, अगर प्लान में कोई प्रॉब्लम है, पे आउट में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बंदा आज तक ऐसा मिला है आपको कि कंपनी ने मुझे पे आउट दिया मगर ये मेरा पास नहीं हुआ, या तो मेरा चेक या तो NEFT नहीं हुआ है? तो ऐसा तो हुआ ही नहीं था। तो मैंने सोचा सर सब बात ठीक है मगर मर्जी का मालिक हूं, तो जब काम करूंगा तो दिल से करूंगा, नहीं करूंगा तो कोई भी बोलेगा तो नहीं करूंगा। तो उस अरसे में जब भी प्रोग्राम सूरत में होते थे, बड़े सेमिनार होते थे, उसमें कल्पेश भाई का मुझे कॉल भी आता था, मुझे मैसेज भी होता था, फिर भी मैं नहीं मानता था। मगर एक बात ऐसा हुआ कि मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, एक तो MS साइकोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने सोचा और तीनों ने मिलकर एक मीटिंग तय की कि जो भी करना है सही ढंग से करना, अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, मगर बहानाबाजी करनी की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप कल्पेश भाई का जब भी कॉल आते तभी बोलते हो, तो ये बता रहे हो, वो बता रहे हो, उलट सुलट बात बता रहे हो, मगर होता ये नहीं, सही में आप उनको गलत आंसर दे रहे हो या तो झूठ बोल रहे हो। तो उस रात मुझे नींद नहीं आई क्योंकि जब तक बाहर वाले ने मुझे बोला था तब तो मैं बहानेबाजी करके छूट जाता था, मगर जब मेरे खून ने मुझे बताया कि ये बहानेबाजी बंद करो, या तो सही बताओ या तो मत बताओ, तो दूसरे दिन मैंने सुबह में कल्पेश भाई को फोन किया कि हाँ मुझे ये करना है, तो प्लानिंग करते, तो प्लानिंग के मुताबिक हमने काम शुरू कर दिया। तो क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो पहला चेक मेरा 16,500 का आया। उसमें दोस्तों ये 16,500 आया वो मेरी डाउनलाइन के हिसाब से आया क्योंकि मैं जिन जिन लोगों को जानता था उन लोगों को मैंने रिपीट कॉल किया और वर्तमान में ये COVID-19 में भी अभी मेरा काम रुका नहीं है क्योंकि उस हिसाब से मैंने अगले 4 साल में 7-8 लाख रुपया लिया। अभी रिसेंटली ये 5 साल पहले मैंने शुरुआत की बाद में, तो अभी टोटल इनकम मेरी 53 लाख हो गई। तो मुझे अभी इनकम का स्रोत ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेटसब इतना दिल से दे रहा है और जो मैंने गलतियां की वो आप न दोहराओ, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट होता है डाउनलाइन और अपलाइन। अपलाइन से पूछो तो वो मार्गदर्शन देंगे और डाउनलाइन को सपोर्ट करो तो वैसे सब लोग मिलकर काम करेंगे तो एक यूनिटी से काम होता है, मगर यहाँ गलती करेगा या बहानाबाजी करेगा कोई भी तो ये बहानाबाजी करते ही रह जाएगा। आज तक की मेरी जो इनकम मैंने बताई 53 लाख को क्रॉस कर गई और आज ये लॉकडाउन में भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर बैठे बैठे भी बहुत सारी मीटिंगें करता हूँ तो वैसे भी मेरा बिजनेस रुका नहीं है। तो लास्ट में यही बताऊंगा कि आप लोग अगर बहानाबाजी करते हो तो बहानाबाजी ही रह जाएगी, कोई उद्देश्य नहीं है। अगर हाँ करना है तो हाँ है, अगर नहीं करना है तो खुद की मर्जी के मालिक है, तो डिसाइड आपको करना है। जो मैंने गलतियां की वो आप न दोहराओ, यही बात कहने करने के बाद मैं मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।